भाई अपनी बोट स्टार्ट होने वाली है अभी। हाँ की डॉल्फिन थोड़ी सी सुस्त है, हल्का सा ऊपर आती है फिर नीचे हल्का। अपनी आंखों से देखने पे इतना ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है ना, वीडियो पे जस्टिस इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि कैमरा ऑब्वियसली इतना ज्यादा कहाँ कैप्चर कर पाएगा। फाइनली अपनी बोट मुड़ गई है, अब बस स्टार्ट करके अपन को चलना है। फिलहाल हम आ गए दूसरे किनारे पे बोट के, यहाँ से बोट चलती है। यहाँ से तो हम निकल गए, यहाँ से मैप पे दिखा रहे 46 किलोमीटर और 1 घंटा 18 मिनट का। प्लान में थोड़ा चेंज है भाई, 9:30 हो गए और हमारा प्लान अभी घर जाने का, क्योंकि अगर हम लोग बीच पे गए तो 10 बजे तक। I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. भाई अपनी बोट है, सामने इसका इंजन है। इतनी बड़ी बोट में हम दो लोग जाएंगे और एक चलाने वाले भाई जाएंगे बस। और 1 घंटा भैया 1 घंटा टाइम नोट करूंगा, पहले बता दो अच्छे से घुमाओगे आप? आपण काय व्यस्त होचंदे आपण तो जितना स्टार्ट होगा बोट तापर तो कौन कर तो भर ले भाई। यहाँ चल रही अपने जहाज में रिफ्यूलिंग। भैया माइलेज कितना इसका? माइलेज 15 किलोमीटर। 1 घंटा 15 किलोमीटर, अच्छा माइलेज है भाई। अपनी बोट स्टार्ट होने वाली है अभी। अरे भैया आगे हमारे कैप्टन साहब चलाने के लिए। भैया कुछ ज्यादा हिल रही है, तीन लोगों के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हिल रही बोट। अरे भाई ये तो इसमें सीट बेल्ट, अरे वो तो उधर पड़े हमारे। बट ये कि स्लो ही जाएंगे, इंजन तो लगा हुआ, आगे देखते हैं कितना फास्ट जाते हैं। और ये बोट स्टार्ट हो गई अपनी, आवाज नहीं आएगी व्लॉग की, अब सिर्फ वीडियो एंजॉय करो। Back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be. Bye, dolphin. Bye. अभी मैंने एक dolphin देखी, अभी बस मेरा camera on नहीं था उस time. सोनू यहाँ पे dolphin थी एक. Bye, दिखाता हूँ, अगर किस्मत अच्छी रही तो दोबारा से ऊपर आएगी. वही वही सामने. येरी. वहाँ पे एक dolphin है. हाँ की dolphin थोड़ी सी सुस्त है. हल्का सा ऊपर आती है फिर नीचे चली, हल्का सा ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती है यार, बहुत थोड़ा सा ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती है। इतना देर बाद थोड़ी शांति। ओ ये रही। ओ सोनू बहुत बड़ी थी, तो गई अंदर, इसमें नजर लगा गया उस साइड में, देखिए और निकाल। ये रही नजर लगा गया, सोनू दिख गई। ये रही ज्यादा ऊपर नहीं आ रही भैया, थोड़ी सुस्त है आपके आगे डॉल्फिन, ज्यादा ऊपर नहीं आ रही वो रही वहाँ पे उस साइड में भी जाएगा, जितने डॉल्फिन है ना वो साइड में। भैया बोल रहे हैं कि जो वाइल्ड डॉल्फिन जो कूदती है ना, जो हमने टीवी देखी मूवीज में देखी है, वो ट्रेंड होती है। मुझे नहीं पता थी ये बात, मुझे लगा भाई ऊपर से कूद के जाएगी, बट फिर भी हल्का हल्का ऊपर आ रही है। वापस चलेंगे क्या अभी? नहीं डॉल्फिन देखेंगे ना, डॉल्फिन देखना। सोनू आगे लेके चल रहे हैं डॉल्फिन देखने के लिए, आ जा। थोड़ा सा और आगे जाएंगे डॉल्फिन को देखने के लिए, यहाँ पे दिखी हमें कुछ, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा दिखेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और देखते हैं आगे दिखेगी और भी ज्यादा, इतनी और दिखेगी। भैया ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे पानी थोड़ा ज्यादा डीप है ना, ज्यादा गहरा है, वहाँ पे डॉल्फिन निकलती है। हम लोग जहाँ से वो दिख भी नहीं रहा, कहाँ से अभी हम लोग किस तरफ से डायरेक्शन, इधर से वो सामने भाई कैसे पॉइंट पाई है, तो मैं और जूम करके दिखाऊं तो दिखेगा, तो व्हाइट व्हाइट जो हल्का दिख रहा है वहाँ से आए हम लोग। यहाँ पे काफी सारी बोट है, यहाँ पे जो लोग बोटिंग करने और डॉल्फिन देखने के लिए आए, एक वो बोट है, एक ये है, दूसरी ये है। Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. यहाँ पे निकलेगी ना बहुत। भैया ने कर दिया इंजन बंद अब। ओ भाई ये रही सामने एकदम हमारे सामने, क्योंकि इससे ना इंजन की नॉइज से ना वो भाग जाती है। ओ भाई ये रही
ट्रेंड वाले नहीं है, देखते हैं जहाँ भी आएगा ना हीरा। ओ भाई साहब ये मस्ता कुछ पता क्या सोनू इनको बुलाते कैसे हैं? ट्रेंड वाले मतलब कोई चुकन कौन डाकी ट्रेंड वाली को बुलाने का तरीका है कुछ भाई अपनी आंखों से देखने पे इतना ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है ना, वीडियो पे जस्टिस इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि कैमरा ऑब्वियसली इतना ज्यादा कहाँ कैप्चर कर पाएगा, बट सामने देख के इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, इतना प्यारा। और एक पता है आवाज भी जब ऊपर आती है, आवाज आती है सोनू, एक आवाज आती है वो भी इधर आएगा ना, एक साइड साइड से होके जाती है, एक प्यारी सी आवाज आती है यार, और कितना शांति से हवा चल रही है, और इवन इस पानी की आवाज भी नहीं आ रही सोनू। डॉल्फिन जो ऊपर आ रही है ना सिर्फ उसकी आवाज आ रही है, जब जैसे डॉल्फिन ऊपर आती है उसकी आवाज आती है। ये बास मछली पकड़ने के लिए है, मतलब बीच में भी जो लगा रखे थे ये सब। अच्छा इसके अंदर नेट लगा हुआ है क्या? अच्छा नीचे नेट लगा हुआ है, मैं इतना देर से सोच रहा था कि भाई ये जो बांस लगे हुए ये किस लिए लगे हुए थे। बीच लेके जाते हैं तो इसी बोट से फिर बीच भी लेके जाते हैं, अगर आगे हम लोग बीच का लेते तो। हाँ नहीं टाइम तो नहीं, और ऊपर से हमने बीच वाला लिया नहीं था भाई, बीच पे हम पहले प्लान कर रहे थे बट बीच तो फिर टाइम भी नहीं, हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। अभी जाते वैसे ही पूरी जाने वाले हम लोग, तो पूरी सी बीच वहाँ से होते हुए जाएंगे, पूरी दर्शन करते हैं फिर शाम को आराम से, शाम को रात में आराम से घर पहुँचते हैं। पर यहाँ कितनी शांति है अगर फील करो तो, इतनी ज्यादा शांति है ना, बीचों बीच हम लोग अभी एकदम बीचों बीच ऑलमोस्ट वहाँ पे जहाँ से हम लोग आए वो तो हमें दिख भी नहीं रहे अभी, मतलब जो डॉल्फिन ऊपर आ रही है उसकी आवाज तक हम लोगों को आ रही थी, एकदम क्लियर आवाज आ रही। तो फाइनली चलते हैं यहाँ से वापस, देखो कितनी डेप्थ है, ज्यादा डीप है नहीं यहाँ पे, ये गया ये टच हो गया, पर इतना सा डेप्थ था तो यहाँ पे थोड़ी डॉल्फिन रुकेगी। मुझे लगा बहुत गहरा है ये, बहुत ज्यादा। अच्छा वो मिट्टी वैसी एकदम धंसने वाली मिट्टी है ना, तो यहाँ पे भैया बोट को मोड़ रहे हैं, मोड़ने के लिए कर रहे हो ना, उससे नहीं उड़ेगा जो पीछे इंजन लगा हुआ है, स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा इससे बेटर है कि हाँ ये भी सही है भाई, बट यहाँ ज्यादा डीप नहीं, मुझे पता लगा था कि शायद इसकी डेप्थ पता ही नहीं कितना डीप है, लेकिन ये जो लकड़ियाँ डाल रखी है ना इसकी वजह से मुझे थोड़ा आइडिया हो कि शायद ज्यादा डीप ना हो। भाई ये पानी एकदम साफ है, मतलब देख के मिट्टी मिट्टी लग रहा है, लेकिन ये मैंने एकदम साफ पानी है, देख के मिट्टी मिट्टी लग रहा है ना, और डेप्थ भी ज्यादा नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से कितना 5-6 फुट पानी मस्त लग रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, पी लो उठा के, लेकिन पता नहीं कैसा टेस्ट करके देखूंगा। अच्छा पीते होगे इस पानी को, पीता थोड़ी है, समुद्र का पानी थोड़ी है, नमकीन है, नमकीन नहीं है ना भाई, नमकीन वाला नहीं है सोनू पानी है, नमकीन नहीं है, नमकीन नहीं है, नहीं भाई स्मेल भी नहीं आ रही इसमें से, पानी में स्मेल आती है ना गंदी, और नदी का पानी आ गया है, नदी का पानी आ गया ना वही है। चलो भाई चलते हैं, मुड़ गए बोट, हम लोग मतलब भूल ही गया कैसे कैसे मुड़ लेते हैं, कहाँ पे हमें जाना, कहाँ पे वापस, इस तरफ हमें जाना है इस तरफ। फाइनली अपनी बोट मुड़ गई है, अब बस स्टार्ट करके अपन को चलना है। ये क्या आइलैंड है पीछे, छोटे छोटे जो है वो आइलैंड है क्या उधर? अच्छा रहते हैं मछुआरे लोग, घर हुआ है ना, अच्छा वो घर है मछुआरों का, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ज़ूम करता हूँ, और ये मछुआरों का घर है, और ये पूरा आइलैंड है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं, पूरा बीच में है भाई, ये छोटा सा आइलैंड है, यहाँ मछुआरे रहते हैं, और ये लकड़ी वकड़ी डाल रखी है, यहीं से मछली पकड़ने का काम होता है। को भैंस वैंस को कैसे लेके आए यहाँ पे? भैंस पानी में तैर के आती है, कौन सा भैंस भाई? पीछे देख भैंस है भैया बोल रहे हैं, वो भैंस जो पानी में तैर के आई है, वो तो उधर जो चल रही है आइलैंड पे भैंस। अच्छा बोट में लेके आके छोड़ देते हैं, सही है यार, यहाँ तो पूरा एक सिटी बसाया हुआ ऐसा लग रहा है, पूरे आइलैंड पे, मतलब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है ना, अपना इंडिया का लोकल आइलैंड। ये अच्छा है, वर्थ इट है पूरा? नहीं वर्थ इट तो है भाई, एक बार तो मस्ट ट्राई भाई, वर्थ इट है, मुझे तो अच्छा लगा बहुत, सीरियसली अच्छा लगा बहुत। I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. फोर थर्टी एट फाइनली हम लोग पहुंच गए ऑन टाइम, 4:40 का था
एकदम टाइम से पहुंच गए। अब बोट हमारी मुड़ रही है सामने, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्पोर्ट से, और हम गए थे एकदम बहुत आगे, वो तो दिखेगा भी नहीं अभी आगे। और ये हमारा बोट का स्टैंड पार्किंग, इतनी बड़ी बोट में सिर्फ हम दोनों लोग गए थे। और भैया भी क्या बोल रहे हैं, भैया कितने लोग जाते हैं आप लोग इस बोट में? 30 लोग लोकल लोग भाई, लोकल लोग यहाँ कहते हैं 30 लोग जाते हैं इस बोट में बैठ के, और यहाँ पे सिर्फ हम दो लोग गए थे इस पूरी बोट में। बीच में जब कहीं कहीं पे हिलती है ना ऐसी, मतलब ऐसा डर लग जाता है ना कि भाई खतरनाक हिल रही थी बीच बीच में यार, पूरी जो आगे वाला पोर्शन ना पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा था। फाइनली पहुंच गए हम अपने किनारे पे। ऑल थैंक्स टू भैया, थैंक यू सो मच भैया। अरे यार जैकेट सुनो, ये तो ली नहीं भाई, डाइव जैकेट है यार, तो कैसे चलते हैं, जमा करते हैं और आगे पूरी मंदिर पूरी दर्शन के लिए निकलते हैं। ये थी अपनी बोट, बाय बाय बोट, अब चल रहे हैं हम लोग आगे। भाई हमारा लेट आने का डिसीजन ही बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी आते ना, सच में यहाँ पे धूप में जल जाते यार, खतरनाक धूप थी उस टाइम पे। अभी मौसम जिस मौसम में हम आए ना, मतलब जिस मौसम का जिस टाइम पे हम लोग आए थे ना, उस टाइम पे हमको तो धूप नहीं मिली, बहुत हल्की धूप मिली। ऊपर से जब आते टाइम इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, बहुत मस्त, अमेजिंग एकदम। फिलहाल हम आ गए दूसरे किनारे पे बोट के, और हम थे उसके पुल के उस तरफ वाले बोट में। कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और फिर निकलते हैं। सामने देखो यार कितना मतलब ऑसम लग रहा है यहाँ पे, ये और ये, मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा सोनू, बिल्कुल सच वर्थ है यहाँ पे आना, मतलब मुझे एकदम सच में वर्थ लगा यहाँ पे आना। और अभी जो मौसम हो रहा है ना, हवा और सारी चीजें ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ह्यूमिडिटी तो भाई मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। लोग बोल रहे थे ह्यूमिडिटी है मिलेगी, बट नवंबर चल रहा है यार, नवंबर में कहाँ इतने यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी है नहीं, अभी तो नहीं लगी फिलहाल मुझे यहाँ पे। तो 4:50 हो गया, फाइनली यहाँ से निकलते हैं अब। मज़ा आया सोनू आज? बहुत बहुत भाई सच में, वर्थ कमिंग था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। कुछ अपने 8-10 फोटो लिए, अब जाते हैं निकलते हैं अपने गाड़ी की तरफ, पार्किंग की तरफ चलते हैं, और फिर सीधा यहाँ से कितने किलोमीटर है, 40 किलोमीटर और है ना शायद, 40-45 किलोमीटर ना, 45 किलोमीटर और है अभी यहाँ से पूरी मंदिर के दर्शन करते हैं जगन्नाथ भगवान के, फिर उसके बाद वहाँ से प्रसाद लेंगे, थोड़ा बीच भी वो, और उसके बाद बीच यार रात में बीच में खुला रहेगा, रात भर मतलब 10 बजे तक ना, वहाँ पर थोड़ी बीच के मजे भी ले लेंगे फिर चलते हैं। और सातपड़ा आने का परफेक्ट टाइम होता है 3-5 हम दूसरे दिन पहुंचे थे, हम परफेक्ट टाइम पहुंचे थे भाई, और जो सुबह इतना जल्दी आके 11-12-1 बजे धूप जो होता है ना पूरा, उसका मतलब नहीं है सच में भाई। जिस टाइम लोग है ना, हमने आराम से खाना वाना खाया, लंच वंच किया, लंच वंच किया, सीधा हम यहाँ पे आए, तो परफेक्ट टाइमिंग था एकदम। यहाँ से हमने जैकेट लिया था, जैकेट यहाँ से हमने वापस कर दिया, यहाँ हमने टिकट बुक कराया था, और यहाँ पे हम एग्जिट ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 बज गए जब आए थे, तो मैं बहुत गाड़ी थी, अब देखो पार्किंग में एक वो खड़ी, एक वो हमारी खड़ी है, 3-4-5 गाड़ी गिन के खड़ी है यहाँ पे, कि 4:30-5 बजे तक पूरा एंड हो जाता है, तो वही हम लोग ऑन टाइम ही है। पूरे 5 बज गए भाई, घर से पूरा फोन चार्ज करके लेके आए थे फुल, फोन की बैटरी बची 20-25%, अभी जाना है पूरी मंदिर, तब तक थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाते हैं इसको। यही हमारा प्लान था कि यहाँ से एटलीस्ट 5 बजे के आसपास आराम से निकल जाएंगे, ताकि हम लोगों को आगे के लिए भी ना टाइम बचे, और अब तो बस सीधा इसका दर्शन करके घर ही जाना है। मैप पे दिखा रहा है 46 किलोमीटर और 1 घंटा 18 मिनट का रास्ता है, और 44 किलोमीटर ये रोड एकदम स्ट्रेट है, तो हम लोग करीब करीब पहुंचेंगे गांव के अंदर से, रोड जा रही है करीब करीब गांव है, तो क्या सिंगल लेन रोड है, गाड़ी धीरे धीरे चलने वाली है, तो उस हिसाब से 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है 46 किलोमीटर का, जो कि 44 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट है। लेफ्ट लेके वहां से फिर पूरी मंदिर के लिए जाते हैं। भाई इतनी गाय है इस रोड पे, इतनी गाय है ना, शायद गाय की वजह से ना हमारा आधा रास्ता तो वैसे ही बढ़ गया भाई, कम से कम 10वीं बार हम लोग देख रहे हैं गाय के पूरे झुंड के झुंड भाई रोड पे एकदम। अरे भाई साहब ये सामने देखो भाई, ये रास्ता तो मेरे ख्याल से और 1 घंटे में कवर होगा इस हिसाब से, मस्त एकदम मस्त गजब। हम साइड से निकालेंगे कोई बात नहीं भाई, रास्ते में इतनी गाय मिल रही थी, ऊपर से भाई अब सामने शायद कोई शादी चल रही है, उसके पीछे हम धीरे धीरे चल रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, सिंगल लेन रोड, गौ माता बीच में बैठी हुई है भाई, इतनी गाय मैंने लाइफ में नहीं देखी, ये सामने देखो। फाइनली भाई उस ट्रैफिक से निकले खतरनाक वाले, 20-25 मिनट बाद 6:17 हो रहे हैं अभी। सोनू गया बाहर कुछ लेने के लिए खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गई ड्राइव करते करते, वड़ा मिल जाएगा, प्याज की पकौड़ी होती है वो मिल जाएगी, खुला है खुला है। सोनू और क्या है कुछ खाने के लिए? समोसे निकल रहे हैं गरम गरम, और वो है क्या तुम बोल रहा था ना कुछ प्याज का क्या बनाते हैं पकौड़ी टाइप, तो ये समोसे लिया फिर कोई दिक्कत नहीं, जाता हूँ भाई वहीं जाके खाता हूँ खाना, यहाँ पे रुकी गए थोड़ा सा हॉल्ट लिया है, तो रुक जाते हैं और खा के चलते हैं फिर आगे।
साढ़े छह हो गया भाई, अभी हमने खाया समोसा, आलू चाप और बड़ा। बड़ा थोड़ा ठंडा था, बट आलू चाप और सिंगाड़ा जो कि समोसा है मस्त था, अच्छा था। फिलहाल पेट में कुछ गया, अब भूख थोड़ी देर तक और रेजिस्ट कर सकते हैं हम लोग अपनी भूख को। अब जाएंगे सीधा पूरी मंदिर, बहुत देर से हम यही बोल रहे हैं बट हाँ पहुंचने वाले थोड़ी देर में। जाम इतना भयंकर लग गया था पीछे पूछे, बस आधे घंटे में हम लोग पूरी होंगे। अभी तो वहाँ पे भी देखना पड़ेगा कितनी भीड़ है कैसा है, फिर चलते हैं दर्शन करते हैं। फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, 7:15 हो रहा है, 7:12 और हम पहुंच गए जगन्नाथपुरी मंदिर। पार्किंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई ढूंढने में, एक गलत रास्ते पे निकल गए थे बट फाइनली पार्किंग में मिल गई, क्योंकि रात के टाइम पे रास्ते गलियां पता नहीं चल रही थी। अब यहाँ पार्किंग में गाड़ी रखते हैं और फोन तो अलाउड है नहीं, तो हमारा प्लान ये है कि भाई ब्लॉग वहाँ पे कर नहीं पाएंगे, फोन गाड़ी में छोड़ के आते हैं, चप्पल गाड़ी में छोड़ के आते हैं, बेल्ट वेल्ट सब पर्स वर्स सब गाड़ी में छोड़ के आते हैं, फिर निकलते हैं और दर्शन करके आते हैं, तब आपको मिलते हैं। बैक इन कार 9:24 दर्शन हुए आगे भाई, दर्शन में पहली बार मैंने देखा इतनी ज्यादा भीड़, भयंकर भीड़ थी वहाँ पे। प्लान में थोड़ा चेंज है भाई, 9:30 हो गए और हमारा प्लान अभी घर जाने का, क्योंकि अगर हम लोग बीच पे गए तो 10 बजे तक बीच बंद हो जाता है, आई बिलीव 10 बजे तक बीच बंद हो जाएगा, फिर घर पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे और हम लोग जो लेके आए थोड़ा प्रसाद वो खाएंगे रात में, तो वो लोग हमारी वजह से भूखे बैठे रहेंगे। 61 किलोमीटर 1:15 तो निकलते घर, मिलते हैं आपसे घर में। हम लोग घर पहुंच गए ठीक 11 बजे, 10:58 हो रहा है। बहुत मजेदार मस्त रहा आज का दिन, गजब मजा आ गया। सामान निकालते हैं, ऊपर चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। फाइनली घर के अंदर आ गए हैं, कैसी रही तुम लोग आज घर पे? मेरा तो मस्त एकदम। दोनों लोग हम लोग घर पे छोड़ के गए हुए थे, हम लोगों ने तो मस्त मजा किया, एंजॉय फुल कसम से भाई, आज का दिन फुल वसूल था। 11 बजे ने बैठ के डिनर करेंगे, 12 बजे निकले तुम लोग, 11 घंटे 12 बजे में निकले थे, टाइम से आ गए 11 बजे, वरना मेरे को लग रहा था और लेट हो जाएंगे, टाइम से आ गए ना एकदम। चलो भाई चलते हैं, प्रसाद जो लेके आए प्रसाद खाते हैं, डिनर करते हैं भाई, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या खाया हमने? प्याजी तो नहीं मिला ना, हमने खाया सिंगाड़ा। तुम रुक जाओ और ये मंदिर की एंट्री, हम गाड़ी लेके यहाँ से निकल